हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैंने बहुत ही बढ़िया दिया डेकोरेशन क्रिएट किया है। गाइस, होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी यही डॉल को आप आजू बाजू पूरा फ्लावर सनफ्लावर से उसकी जो पत्तियां और ये जो फूल से आप पूरा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, रंगोली भी क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आपको इस तरह की डॉल आपको सीखनी है तो मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। गाइस, वेंडिंग साड़ी पैकिंग करने के लिए मैंने इस तरह से लंबी घड़ी की है। अभी हम इसको जैसे हम पाटली लेते हैं वैसे इसको दोनों तरफ से प्रॉपर इस तरह से बीच में से लेते हुए प्लिट्स लेना है। गाइस, इस तरह से एक रबर बैंड मैंने यहाँ पे प्लिट्स लेके यहाँ पे डाल दिए और अभी सब प्लिट्स को इस तरह से स्ट्रेट रखिए। इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह से। और दोनों बॉर्डर इस तरह से साइड में दिखना चाहिए, सारी बॉर्डर में ठीक से दिखनी चाहिए इस तरह से। अभी हम ये डॉल को यहाँ बैठाएंगे, इसे डबल टेप की हेल्प से यहाँ पे चिपका देंगे। गाइस, ये बहुत ही बढ़िया बैठ गई है। इसके अंदर हमने बोबो स्टैंड डाला है और यहाँ पे डबल टेप लगाई है और यहाँ पे भी डबल टेप, तो ताकि ये बॉडी के अंदर एकदम अच्छे से स्टिक हो जाती है और ये बैठने के लिए एकदम आसान हो जाता है। ये बर्थडे के सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे ये बोबो बलून का स्टैंड बोलोगे तो ये आराम से मिल जाएगा आपको, या फिर आप कार्डबोर्ड का कोन करके भी आप यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हो। गाइस, अगर आपको रेंट पे चाहिए ये डॉल तो मिलेगी। गाइस, इसका रेंट का चार्ज है 200 रुपीज 4 डे का। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो एवरीडे 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा और डिपॉजिट करना है 500 रुपीज। ये डिलीवरी होता है ऑल ओवर मुंबई। गाइस, आपको एक रिक्वेस्ट है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो पहले मिल सके। गाइस, मैंने ये फेस अपने चैनल पे बताया है कि कैसे करना है, उस पर खाली मैंने ये ऐड किया है इसके हेयर्स और ब्लाउज क्रिएट किया है। यहाँ नेक लगाया है, एक पट्टी इस तरह से थोड़ी काट के यहाँ पे मैंने पूरा सी लिया। अभी हैंड्स के लिए भी मैंने इस तरह की लेस यूज की है, उसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से यहाँ से बाहर से सिलाई लिया। अभी ब्लाउज के अंदर मैंने थोड़ा स्पंज का टुकड़ा इस तरह से डाला है यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा स्टफिंग की है कॉटन से। अभी लहंगे के लिए मैंने इस तरह से एक लंबा सा पट्टा मैंने लिया है गाइस और उसको इस तरह से चुन्नट चुन्नट लेके मैं पूरा इसको स्टिचेस ले लूंगी, नीचे लेस लगाई है। और एक ड्रेस के कपड़े में से मेरा इस तरह से पैच निकला था, वो इस लहंगे में मैं क्रिएट करूंगी। गाइस, लहंगे को इस तरह से पाइपिंग दिए मैंने, इस तरह से एक कपड़ा लिया उसको दोनों तरफ से फोल्ड किया है। अभी इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। गाइस, अभी बैक साइड करके इसको पीछे की तरफ ये नेफे से लेके पूरा नीचे तक पूरा इसको स्टिच कर लेना है, उल्टा करके लहंगे को इस तरह से पूरा जॉइन कर देना है। गाइस, पीछे से मैंने वेलवेट का कपड़ा लगाया। गाइस, इस तरह से मेरे पास वेलवेट का कपड़ा था वो लगाया। अभी हमें इसे बैठाने के लिए इस तरह से कोन बनाना है और यहाँ से इसको स्ट्रेट कट कर देना है इस तरह। फिर इसके अंदर हम फिट करेंगे और यहाँ चिपका देंगे। गाइस, कोई भी कार्डबोर्ड या इस तरह की ट्रे में आप इसको बैठा सकते हैं। ये मुझे गिफ्ट आई थी
सब पतंजलि के गिफ्ट हैम्पर इस पे आए थे, तो यही मैं आज यूज कर रही हूँ। तो गाइस भी हम इसके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे। तो मेरे पास इस तरह से पुराने ड्रेस में इस तरह से एक पैच है, इसी के फ्लावर्स में आज कट करके इसके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे। गाइस मैंने एक पैच लिया है, इस तरह से मेरे पास इस तरह के लेस थी, तो उसी में से मैंने एक फ्लावर कट करके ये छोटे छोटे अभी ये फ्लावर्स इसमें अटैच करूंगी और फिर मोती से हम इसकी बिंदी बनाएंगे। गाइस मैंने इस तरह से येलो और बीच में इसमें से रेड निकाल के मैंने इस तरह से फिट किया। अभी इसमें एक मोती पिरो के एक पूरी इस तरह की लाइन करेंगे। गाइस बहुत ही बढ़िया बिंदी बन के रेडी हो गई। अभी हम इयर रिंग्स बनाएंगे, उसके लिए मैंने इस तरह के इस तरह मैंने कट किया फ्लावर ट्रायंगल शेप में। अभी हम येलो कलर से येलो फ्लावर्स यहाँ पे अटैच करेंगे और रेड कलर का फ्लावर और तीन मोती पीरो के यहाँ अटैच करेंगे। गाइस मैंने इस तरह से कमर का पट्टा क्रिएट किया, एक रेड फ्लावर फिर तीन मिड्स फ्लावर्स तीन ऐसे इस तरह से मैंने ये किया है। अभी रेड फ्लावर मैंने यहाँ पे लगा के मोती से अटैच कर दिया पहले ये ब्लाउज के साथ और फिर तीन मोती एक फ्लावर और तीन मोती वापस यहाँ अटैच कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक येलो फ्लावर फिर रेड फ्लावर और फिर येलो फिर यहाँ अटैच कर देना है, फिर वापस ये लाइन वापस ये जैसे यहाँ पे किया है तीन मोती एक फ्लावर और तीन मोती इस तरह से वापस यहाँ अटैच कर। गाइस ये ब्यूटीफुल डॉल के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। गाइस बहुत मेहनत लगती है इसको क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही न्यू डॉल के साथ मैं न्यू पैकिंग क्रिएट करूंगी। गाइस अलग अलग डॉल के साथ अलग अलग डिजाइन के साथ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।